लगाकर आग। एक शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। एक अंग्रेजी में एक कहावत पढ़ी थी, मैंने तीनों भाषाओं का जिक्र किया, चारों भाषाओं का, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत, अंग्रेजी रह गया था तो मैं इसकी भी तस्दीक छोड़ देता हूँ। आनंद भैया, एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि डीप रिवर ऑलवेज फ्लो इन साइलेंट मेजेस्टी, गहरी नदियाँ हमेशा शांत बहा करती हैं। तो कुलदीप का जो विस्फोट हुआ लास्ट में, उससे इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि बहुत से शांत चेहरे भी अपने आप में एक बगावत लिए हुए बैठे हैं। एक अपने चार लाइनों से एक बड़े खलीफा की मैं शुरुआत करता हूँ। एक और है हमारे तुरीन में एक बाण अभी बैठा हुआ है, वो लास्ट वाला, उसमें अंतिम बार चलाएंगे। फिलहाल एक ये है कि ध्यान दीजिएगा आप लोग, लगाकर आग एक शहर को ये बादशाह ने कहा, लगाकर आग एक शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। लगाकर आग एक शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत। सर झुका के सभी शाहपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर तो और है बहुत। हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर तो और है बहुत। मेरे दिल के सबसे अजीज, और जिस शहर की वजह से लिखना पढ़ना हमने सीखा, बहुत सही समय पे आए हैं, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। खुमार बारा बंकवी, मेरे हर दिल अजीज शहर है। दो मिनट में, पांच मिनट समय लूंगा, बोला तो बहुत कुछ हूँ, थोड़ी सी तबीयत सुन लग, ये लग रहा है कि लिखने वाले बचे हुए हैं, दो चार मिनट सुनाते हैं, तरन्नुम में सुनाते हैं। बहुत स्वागत है भैया, आइए आगे देखिए। नहारा है इश्क न दुनिया थकी है, नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है। नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है। उन्हीं की लाइनें हैं कि दो दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए, एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे। अब मैं अपनी दो चार लाइनें सुना देता हूं, जो कुछ एहसासात हैं अपने जो पिरोए हुए हैं। मैं कोई पेशेवर लेखक नहीं हूं। जब आसमां से चांद और सितारे चले गए, हां भैया वो वाला, अच्छा बिल्कुल उसको भी कर देते हैं। एक शुरुआत कर देते हैं कि जुस्तजू मतलब होता है ख्वाहिश। पिछली बार ये शेर फंस गया था, मुकम्मल कर देते हैं। वो कसक आज तक बनी हुई है, ऐसा कभी होता नहीं है कि शेर फंस जाए अटक जाए। कि न दिल में जुस्तजू मिली, न ख्वाब आंख में मिले। ताबीर मतलब होता है जो ख्वाब देखा जाता है उसका जो रिजल्ट आता है उसको ताबीर कहा जाता है उर्दू में। न दिल में जुस्तजू मिली, न ख्वाब आंख में मिले, दर्द वो मिले कि फिर अजाब में नहीं मिले। दर्द वो मिले कि जो अजाब में नहीं मिले, गुफ्तगू का छोड़िए नजर नजर से ना मिली। गुफ्तगू का छोड़िए नजर नजर से ना मिली, सवाल के जवाब तक जवाब में नहीं मिले। सवाल के जवाब तक जवाब में नहीं मिले, इश्क के बचे निशान कुछ इस तरह से मिट गए। इश्क के बचे निशान कुछ इस तरह से मिट गए, छिपा रखे जो फूल थे किताब में नहीं मिले। छिपा रखे जो फूल थे किताब में नहीं मिले। खुमार होता है उतरता हुआ नशा, और सुरूर होता है चढ़ते हुए नशे को सुरूर कहा जाता है। छिपा रखे जो फूल थे किताब में नहीं मिले, हुस्न के खुमार का क्या कहें अनुराग हम। हुस्न के खुमार का क्या कहें अनुराग हम, उम्र भर को होश में हिसाब में नहीं मिले। उम्र भर को होश में हिसाब में नहीं मिले। फिर से मेरी तस्दीक सुनिएगा कि हर रोज बदलते जिल्द नए, अखबार सरीखे दिखते हो। जिल्द मतलब कवर। हर रोज बदलते जिल्द नए,
अखबार सरीखे दिखते हो, बेमतलब की बातों में उलझे सरकार सरीखे दिखते हो, हर रोज बदलते हो जिल्द नए अखबार सरीखे दिखते हो, बेमतलब की बातों में उलझी सरकार सरीखे दिखते हो, अब कहां हया वो अदब रही जिससे चरित्र सुंदर दिखता, रिश्तों का मोल भाव करते बाजार सरीखे दिखते हो, रिश्तों का मोल भाव करते। यहां महबूबा से गुफ्तगू नहीं है, ये अनुभव की कसौटी पर लिखे हुए शेर है। रिश्तों का मोल भाव करते बाजार सरीखे दिखते हो, कसमें वादों की याद किसे, करने जाए फरियाद किसे, खुद में खुद को ढांढस देते लाचार सरीखे दिखते हो, खुद में खुद को ढांढस देते लाचार सरीखे दिखते हो। और आखिरी शेर मेरी तस्दीक कि खुद को क्यों यार बदलते हो, महफिल में तन्हा रहते हो। भाई साहब, खुद को क्यों यार बदलते हो, महफिल में तन्हा रहते हो, खुद रंग बन गया जो जग में अनुराग सरीखे दिखते हो, खुद रंग बन गया जो जग में अनुराग सरीखे दिखते हो, बेमतलब की बातों में उलझी सरकार सरीखे दिखते हो। एक जिस गजल का इन्होंने जिक्र किया उसके दो तीन शेर सुना देते हैं, सुनने वाले बहुत अच्छे आए हुए हैं, मेरे दिल के सबसे खास लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो एक शेर की ध्यान से सुनिएगा। हिज्र मतलब होता है जुदाई और मैकदा मतलब होता है, बहुत से लोग परिचित होंगे, बिरादरी की बात कर दिया हमने। एक शेर तरन्नुम में सुन लीजिए, एक गजल के दो तीन शेर की। जब आसमां से चांद सितारे चले गए, जब आसमां से चांद सितारे चले गए, तब मैं कदे से हिज्र के मारे चले गए। हिज्र मतलब जुदाई, मैं कदा मतलब जब आसमां से चांद। उर्दू में एक अल्फाज है नासेह, मतलब होता है जो सहूलियत देने लगता है, मतलब उपदेश देने वाला। कि नासेह दे रहा था बड़ी शिद्दत से नसीहत, नासेह दे रहा था बड़ी शिद्दत से नसीहत, जब खुद पे बनाई तो किनारे चले गए, जब खुद पे बनाई तो किनारे चले गए। एक सहूलियत की समझा कभी जिसने भी मोहब्बत को जंग, वो ध्यान रखिएगा जो अभी प्रक्रिया में है, दुरुस्त होकर जो बैठे उनके लिए नहीं है, उनके लिए एक्सपायर हो चुका है। समझा कभी जिसने भी मोहब्बत को जंग, वो जीती हुई बाजी को भी हारे चले गए, जीती हुई बाजी को भी हारे चले गए। और बहुत मगरूर लोगों के नाम ये शेर है कि कुछ लोग थे जो खुद को खुदा मान चुके थे, कुछ लोग थे जो खुद को खुदा मान चुके थे, तारीख के पन्नों में बेचारे चले गए, तारीख के पन्नों में बेचारे चले गए। जब आसमां से चांद, इस गजल का मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत, मुझे जो लगता है अपने लिखने वाले को जो होता है, जो लिखने वाला होता है उसको जो अच्छा लगता है। बैठे रहे शाम तलक आई नहीं राधा, बैठे रहे शाम तलक आई नहीं राधा, खाली सभी मोहन के इशारे चले गए, खाली सभी मोहन के इशारे चले गए। जब आसमां से चांद सितारे चले गए, जब आसमां से चांद। अब दिल में कैद नहीं कर सकता तुझे, हाँ, वो ताले वो चाबी वो पिटारे चले गए।
हमने उम्रे गुजार दी एक पत्थर को तरासते तरासते, हमने एक उम्र गुजार दी पत्थर को तरासते तरासते, जब सूरत बनी यार की तो खरीदार आ गए। बहुत शुक्रिया आप सबको, एक बड़ा सब्जेक्टिव चीज है ये, जिसके ऊपर सूट करा जैसी दीवाल वैसा चित्र, अपने अपने स्वाद के हिसाब से व्याख्या करिएगा, अपने अपने स्वाद के हिसाब से व्याख्या करिएगा। चलते 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 अहमद फराज साहब की एक एक छोटी सी चार लाइनें, क्योंकि शुरुआत और अंत वहीं से होता है, मासूमियत के शायर है, एक उन्हीं की लाइन में नजर करके आप लोगों को जाता हूं कि भली सी एक शक्ल थी, भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्ने ताम हो न देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो कहकशा सी रह गुजर लगे, मगर वो साथ साथ हो तो फिर भला सफर लगे, कोई भी रुत हो उसकी छप फजा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छांव थी वो सर्दियों की धूप थी, न मुद्दतों जुदा रहे ना साथ सुबह शाम हो, न रिश्ता ये वफा पे जिद न ये कि इज्न आम हो। थोड़े उर्दू के कठिन अल्फाज है, न ऐसी खुश लिबासियां कि सादगी हया करे, न इतनी बेतकल्लफी की आईना हया करे, न इख्तलात में वो रम की बद मजा हो ख्वाहिशें, न इस कदर सपर्दगी की जज करे नवाजिशें, नाश की जुनून की न जिंदगी अजाब हो, न इस कदर कठोरपन की दोस्ती खराब हो, कभी तो बात भी खफी कभी सुकूत भी सुखन, कभी तो किश्ते जाफरां कभी उदासियों का बन, सुना है एक उम्र है मुआ मिलाते दिल की भी, महसूस करिए तालियां जाने दीजिए, सुना है एक उम्र है मुआ मिलाते दिल की भी, विसाले जा फजा तो क्या फिराके जा गुसल के भी, सो एक रोज क्या हुआ, सब लोगों के जीवन में ये प्रक्रिया हुई है, सो एक रोज क्या हुआ, वफा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क को अमर कहूं वो मेरी जिद से चिढ़ गई, मैं इश्क का असीर था चाहने वाला, मैं इश्क का असीर था वो इश्क को कफस कहे, कि उम्र भर के साथ को वो बदतरज हवस कहे, शजर हजर हमेशा नहीं हमेशा पावे गिल रहे, न ढोर हैं कि रस्सियां गले में मुस्तकिल रहे, तुम्हारी जो भी वुसते हमारे दस्तो पा में है, न एक दर से नस्बते सगाने बा वफा में है। मैं कोई पेंटिंग नहीं, लड़कियों के हवाले से कहा गया ये शेर है फराज साहब का, अंतिम चल रहा है, मैं कोई पेंटिंग नहीं जो एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन का मीत है उसी के प्रेम में रहूं, तुम्हारी जो भी सोच हो मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की। मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं, न मुझको उसमें मान था न उसको मुझ पे जोम ही, जो अहद ही कोई न हो, न उसको मुझ पे मान था न उसको मुझ पे जोम ही, जब अहद ही कोई न हो तो क्या गमे शिकस्तगी, सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल लिया, वो अपनी राह चल पड़ी मैं अपनी राह चल दिया, वो अपनी राह चल पड़ी मैं अपनी राह चल दिया, भली सी एक शक्ल थी भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं मगर कभी कभी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।